कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डबल बेंच जस्टिस ओका और जस्टिस भुयान की बेंच ने दिल्ली के अंदर करीब 1100 पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से कटवाने का मामला कंटेंप्ट पिटीशन के अंदर सुना। कंटेंट इसलिए क्योंकि कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। जो पेड़ पहले ही गैर कानूनी ढंग से काट दिए गए थे उसमें कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई कि हम उनको काटने की परमिशन मांग रहे हैं, क्योंकि चोरी पकड़ी गई तो कोर्ट पहुंचे कि परमिशन मांग लेते हैं और कोर्ट ने परमिशन रिजेक्ट कर दी। तो झूठ के ऊपर दूसरा झूठ और डीडीए फंस गया। कल कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के वकीलों ने दोबारा झूठ बोला। ये बहुत बड़ी बात है। एक झूठ के विषय में कंटेंप्ट पिटीशन जो चल रही है उसके बचाव में कल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के वकीलों ने फिर से झूठ बोला। और वो क्या झूठ बोला मैं आपको बता दूं, बार एंड बेंच और लाइव लॉ दोनों की वेबसाइट्स और ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग उसके अंदर दी हुई है क्या हो रहा था। उसके अंदर एक जगह तो ये बोला गया कि लॉ ऑफिसर को मालूम ही नहीं था कि इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत है। वो झूठ है, वो भी मैं अभी आपको साबित करूंगा। और दूसरी जगह झूठ ये बोला गया कि एलजी साहब 3 फरवरी को जहां पे विजिट करने गए वो कोई और जगह थी। और एलजी खामोश है, एलजी चुप बैठे हुए हैं। पीआर डिपार्टमेंट एलजी का बिल्कुल छुपा हुआ है, बताने के लिए तैयार नहीं है। एलजी साहब की डायरेक्शन थी उनको गिराओ, ये साफ है। दूसरी बात, अधिकारियों को, डीडीए के अधिकारियों को ये मालूम था कि इन पेड़ों को काटने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, जो नहीं है। ये इसमें साफ है। जो झूठ बोला गया कल कोर्ट में कि लीगल ऑफिसर को जानकारी नहीं थी, ये झूठ बोला गया। इन्हें जानकारी है कि अप्रूवल की जरूरत है और अप्रूवल नहीं है। और तीसरी और बड़ी और सबसे गंभीर बात, आरडब्ल्यूए के लोग अगर एक पेड़ की छटाई कर दें तो डीसीएफ साउथ का ऑफिस एफआईआर दर्ज करा देता है। मेरा इलाका है, मुझे मालूम है। 50-50 हजार रुपए के फाइन आरडब्ल्यूए के ऊपर करता है डीसीएफ साउथ पेड़ों की छटाई पे। हमारे यहाँ GK1 एंक्लेव में हुआ, हमारे यहाँ एस ब्लॉक में हुआ, हमारे यहाँ मंदाकिनी एंक्लेविंग में हुआ, जहां आरडब्ल्यूए के ऊपर 5-5 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए। और यहां पे फॉरेस्ट रेंजर आके देख के गया कि पेड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है। फॉरेस्ट रेंजर और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा ये नहीं कट सकते। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मौखिक उन्होंने अनुमति दे दी कि ये पेड़ काट लो। ये मौखिक अनुमति क्या है? ये भ्रष्टाचार है, ये चोरी है, ये लूट है, ये डकैती है।